खोल दिए हैं मनोहर लाल सरकार ने अपने मंत्रियों के लिए अपने दिल के और अपने खजाने के दरवाजे। हाल ही में बीजेपी जेजेपी गठबंधन सरकार के मंत्रिमंडल की बैठक में सरकार ने एक बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए अपने मंत्रियों के मासिक आवास भत्ते यानी कि एचआरए में 20,000 रुपये की बढ़ोतरी की है और साथ में उन्हें बिजली और पानी के लिए अतिरिक्त 20,000 रुपये और दिए जाएंगे। हालांकि सरकार ने अपने मंत्रियों के लिए चंडीगढ़ में आवास की सुविधा की है, लेकिन अगर किसी मंत्री को या एमएलए को आवास नहीं मिलता तो उसे पहले जहां 60,000 रुपये मासिक आवास भत्ता मिलता था, वहीं अब 20,000 की वृद्धि के बाद उन्हें 80,000 रुपये मासिक आवास भत्ता मिलेगा और बिजली पानी के अतिरिक्त 20,000 रुपये मिलेंगे। और इसी के साथ अब हरियाणा सरकार के मंत्रियों को कुल जो भत्ते हैं वो जहां पहले 60,000 रुपये थे अब 1,00,000 रुपये मासिक भत्ते मिलेंगे। और इसी के साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि सरकार को जल्द ही हरियाणा के युवाओं के लिए भी एक जल्द महत्वपूर्ण निर्णय लेने होंगे ताकि जो उन्होंने वादे किए हैं हरियाणा के युवाओं के साथ वो पूरा कर सकें, नहीं तो हरियाणा का युवा फिर यही कहेगा अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता। तो नमस्कार दोस्तों, मैं गगन यादव स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जंक्शन बाय गगन यादव सर में। और जी हाँ, जैसा कि आप सोच रहे हैं बिल्कुल समझ पा रहे हैं कि आज मैं अपने इस वीडियो में हरियाणा सरकार के मंत्रियों और एमएलए को सरकारी खजाने से क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं, जनप्रतिनिधियों को क्या वेतनमान, क्या सुविधाएं, क्या भत्ते मिलती हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं अपने वीडियो को और ये सभी जानकारियां लेने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें और अगर अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको तीन स्तर के ऊपर जो है जनप्रतिनिधियों के वेतन और भत्ते बताऊंगा। सबसे पहले हम हरियाणा के मुख्यमंत्री के बारे में बात करेंगे, उसके बाद जितने भी मंत्री हैं कैबिनेट और राज्य मंत्री और साथ में जो हमारे विधानसभा अध्यक्ष हैं उपाध्यक्ष हैं हम उनकी बात करेंगे, और उसके बाद जितने भी हमारे हरियाणा विधानसभा के एमएलए विधायक हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री के वेतन और भत्तों से। सबसे पहले सीएम साहब के मूल वेतन की अगर हम बात करें तो वो 60,000 रुपये मासिक है, मंथली जैसे बेसिक पे हम बोलते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंस निर्वाचन क्षेत्र का भत्ता, जब वो अपने निर्वाचन क्षेत्र कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाते हैं उस समय इसको खर्च कर सकते हैं, ये 60,000 रुपये मासिक होता है। इसके अलावा स्पेशल अलाउंस विशेष भत्ते 20,000 रुपये मासिक मंथली इनको दिए जाते हैं। वाहन भत्ते यानी कि ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस या व्हीकल अलाउंस की बात करें तो 10,000 रुपीज़ मंथली 10,000 रुपये मासिक, और इसके अतिरिक्त दो स्टेट गवर्नमेंट की जो सरकारी कारें भी इनको घूमने फिरने के लिए आने जाने के लिए दी जाती हैं। दैनिक भत्ते इनके 2,000 रुपये पर डे के हिसाब से 60,000 रुपये मासिक इनको बनता है। कार्यालय भत्ता ऑफिस अलाउंस जो अपने ऑफिस एक्सपेंडिचर इनके कर सकते हैं इसमें से वो 20,000 रुपये मासिक इनको दिए जाते हैं। फ़ोन की बात करें, कम्युनिकेशन की बात करें, जो फ़ोन अलाउंस है इनको 15,000 रुपये मासिक घरेलू उपभोग के लिए इनको दिए जाते हैं और 15,000 रुपये अलग से मोबाइल के लिए दिए जाते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर बात करें तो आप देख रहे हैं कि वर्तमान में मोबाइल कंपनियाँ बड़े सस्ते प्लान दे रही हैं, तो मुझे लग रहा है सीएम का साहब को भी 399 रुपये का रिलायंस जियो का रिचार्ज करवाना चाहिए ताकि 3 महीने वो अनलिमिटेड कॉल कर सके। इसके बाद एलटीसी की अगर बात करें तो 25,000 रुपये मासिक उनको घूमने फिरने के लिए दिया जाता है, यानी कि 3,00,000 रुपये सालाना। अगर इन सभी मदों को अगर हम जोड़ें, सभी पार्ट्स को अगर हम जोड़ें उनकी सैलरी के, तो ये 2,85,000 रुपये बनता है जो कि सीएम की मंथली सैलरी है, यानी कि सीएम की कोस्ट टू हरियाणा स्टेट है मंथली। मंत्रियों की बात करें, चाहे कैबिनेट मंत्रियों, स्टेट मिनिस्टरों और साथ में विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, इनके वेतन भत्ते की बात करें तो इनका जो बेसिक पे है मूल वेतन है
वो 60,000 रुपये मासिक है जितना सीएम का था, और निर्वाचन क्षेत्र भत्ता भी उतना ही है, लगभग 60,000 रुपये मासिक मंथली। इसके बाद स्पेशल अलाउंस, यहाँ पर 5,000 रुपये कम है इनका सीएम की तुलना में, जहाँ सीएम साहब का 20,000 रुपये मासिक था, इनका 15,000 रुपये जो है मासिक है। वहीं वाहन भत्ता ट्रांसपोर्टेशन अलाउंसेस की बात करें तो उसमें इनको 10,000 रुपये मंथली मिलता है, और इसके अतिरिक्त 2 स्टेट गवर्नमेंट की सरकारी कारें इन्हें भी उपलब्ध होती हैं आने जाने के लिए। वहीं दैनिक भत्ता सीएम की तुलना में लगभग इनका आधा है, जहां उनको 2,000 रुपये पर डे के हिसाब से 60,000 रुपये मासिक मिलते थे, इनको 1,000 रुपये पर डे के हिसाब से 30,000 रुपये मासिक मिलते हैं। कार्यालय भत्ते ऑफिस अलाउंस की बात करें ऑलमोस्ट सेम, 20,000 रुपये मासिक। फ़ोन भत्ते भी इनको जैसे सीएम को दिए जाते थे 15,000 रुपये घरेलू, 15,000 रुपये मोबाइल, इनको भी 15,000 रुपये जो है घरेलू उपभोग के लिए, लैंडलाइन के लिए, और 15,000 रुपये मोबाइल के लिए दिए जाते हैं। और LTC घूमने फिरने के लिए इनको भी 25,000 रुपये मासिक के हिसाब से सालाना 3,00,000 रुपये दिए जाते हैं। अगर इन सभी मदों को जोड़ें तो एक मंत्री और विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की जो सैलरी है या कोस्ट टू हरियाणा गवर्नमेंट है वो है 2,50,000 रुपये। अगर आप लोगों को मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद में क्या अंतर होता है इसके बारे में जानना है तो ऊपर आई बटन के अंदर मेरे वीडियो का लिंक है, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है कि मंत्रिपरिषद मंत्रिमंडल में क्या अंतर होता है, राज्य मंत्री कैबिनेट मंत्री कौन होते हैं, उनमें क्या अंतर होता है। तो इसके लिए ऊपर आई बटन में आप लिंक को देख सकते हैं, उस पर क्लिक करके आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। और मुख्यमंत्री मंत्रियों के बाद अब अंत में आते हैं हम हरियाणा विधानसभा के जो विधायक हैं MLA हैं उनको कितना वेतन भत्ता मिल। अंत में अगर विधायक साहब की अगर बात की जाए MLAs की, तो MLAs का जो मूल वेतन बेसिक पे है वो हरियाणा गवर्नमेंट में 40,000 रुपये मासिक है, 40,000, मंत्रियों की तुलना में और सीएम की तुलना में 20,000 रुपये कम है। वहीं निर्वाचन क्षेत्र का जो भत्ता है ये एक समान है सीएम और आपके जो है मंत्रियों के बराबर ही है, 60,000 रुपये मासिक इनका, 60,000। विशेष भत्ते यहाँ पर लगभग आते हैं 10,000 रुपये इनको मंथली मिलते हैं, मासिक मिलते हैं। वहीं वाहन भत्ते की अगर बात करें तो सरकार की तरफ से इनको कोई कार नहीं मिलती, लेकिन 18 रुपये प्रति किलोमीटर इनको वाहन भत्ता दिया जाता है जितने भी MLA हैं उनको। वहीं दैनिक अगर भत्ते की बात करें तो 1,000 रुपये पर डे के हिसाब से इनको भी 30,000 रुपये मंथली दिए जाते हैं। कार्यालय के लिए इनको 25,000 रुपये दिए जाते हैं ऑफिस अलाउंस इनको। वहीं प्रतिपूरक भत्ते जो हैं वो 10,000 रुपये के आसपास दिए जाते हैं, मिसलेनियस इनको बोलते हैं। और फ़ोन भत्ते जो हैं इनको 15,000 रुपये घरेलू यूज़ के लिए दिए जाते हैं, मोबाइल का यहाँ पर कोई भी जो है जिक्र नहीं है। वहीं अगर कर्मचारी भत्तों की हम बात करें यानी कि अगर उनको कोई भी सर्वेंट वगैरह रखना है तो उसके लिए 15,000 रुपये मासिक इनको अलग से दिए जाते हैं, और LTC के भी इनके पास 25,000 रुपये मासिक के हिसाब से 3,00,000 रुपये सालाना घूमने फिरने के मिलते हैं। और इन सभी मदों को अगर मैं जोड़ूँ तो एक MLA की कोस्ट टू हरियाणा गवर्नमेंट या उनकी जो सैलरी है पर मंथ हरियाणा गवर्नमेंट को पड़ती है 2,30,000 रुपये। तो ये हमने बात करी हमारे सीएम मंत्रियों विधानसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष और MLAs की सैलरी की जो कि हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है। तो मैंने अपनी तरफ से बेस्ट नॉलेज आप लोगों को देने की कोशिश की है। इसके अतिरिक्त हरियाणा में अभी हाल ही में जो नए मंत्री बनाए गए हैं किसको कौन सा विभाग दिया गया है उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया है, उसमें विस्तृत सभी विभागों के बारे में सभी मंत्रियों के बारे में बताया गया, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। इसके अलावा मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल में क्या अंतर होता है उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है, ख़ासतौर पर हरियाणा के प्रस्पेक्टिव में आप उसको भी देख सकते हैं। और साथ में आप मुझे इस बारे में ज़रूर कमेंट करें कि मैं किन किन टॉपिक्स पे आप लोगों के लिए वीडियो बना सकता हूँ, ये प्लीज़ आप लोग मुझे सजेशन दें ताकि मैं आप लोगों को आगे भी इस प्रकार की जो ये यूज़फुल इंफॉर्मेशंस दे पाऊँ। तो आज के लिए इतना ही,
आप सभी लोगों से आज के लिए विदा चाहूँगा। आप लोगों को मेरी ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी इसके लिए मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें अगर आप लोगों को अच्छा लगा है। और आप लोगों को मेरा चैनल अच्छा लगता है, आप लोगों को मुझे सुनना अच्छा लगता है, देखना अच्छा लगता है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको समय समय पर जो है मेरे द्वारा अपलोड किए वीडियो की जानकारी मिलती रहे। तो आज इतनी ही बात करेंगे, आगे फिर जल्द ही एक यूजफुल इंफॉर्मेशन के साथ एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, तो सभी को प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का दिन अच्छा।